मैंने देखा कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं और उनकी उनके फोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फोटोज होती है, वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। ये सबके बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद वो मुझे जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगी, मुझे जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगी। देखिए, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्प्यूट हुआ था वो 2016 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होते हुए देखी। जो सुमित सबरवाल मेरे हस्बैंड है, मैंने देखा कि वो सप्लाई करते हैं और उनकी उनके फोन में अलग अलग किस्म की लड़कियों की फोटोज होती है, वो डायरेक्टर्स को दिखाते हैं और लड़कियां सप्लाई करते हैं डायरेक्टर्स को। तो ये कुछ ज्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने डिवोर्स फाइल किया है। और ये बात की जानकारी मैंने महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल को भी दी और महेश भट्ट को भी दी और मुकेश भट्ट को भी दी। तो ये सब ऑलरेडी ये बात जानते थे। तो जब मैं महेश भट्ट के ऑफिस में गई ये बात बताने, तो महेश भट्ट मुझ पर चिल्लाने लगे। पहले तो उन्होंने बोला मुझे कि ओ बेटा बेटा आओ आओ कैबिन पे आओ, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे मुझे बोलकर कैबिन में अंदर बुलाया। और फिर वो मैंने उनको बताया कि सुमित करता है, सुमित लड़कियां सप्लाई करता है, ही इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन, मैंने सब बताया, ही इज वुमेनाइजिंग। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी, वो मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जो भी करता है तू बीच में मत आ, ये सबके बीच में तू आएगी तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद वो मुझे जोर जोर से गंदी गंदी गालियां देने लगे। See?